चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समण संघ के सभी सदस्यों को जय भीम नमो बुधाय। समण संघ क्या है साथियों? यह जो संघ है वो बुद्ध से पहले से चलता था, जिसको हमारे ही दादा परदादाओं ने चलाया था। सभी प्रकार के निर्णय और फैसले संघ के द्वारा ही किए जाते थे और उसका निर्णय ही सर्वोपरि माना जाता था। इसके जो विनय हैं या नियम हैं वे सब प्राकृतिक हैं, जिसका वर्णन विनय पटक में दर्शाया गया है, जिसके तीन खंड हैं जो कि त्रिपटक के नाम से जाने जाते हैं। आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी की सहमति से नए नियम बनाए जा सकते हैं, जो कि सभी समण समाज के हित में हों। और यदि कोई नया नियम पालन करने में समण समाज का हित नहीं हो रहा है तो फिर सभी की सहमति से उस नियम को हटा या बदला जा सकता है। उसी समण संघ को जाड़ पहुंचकर अपने समण लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। जैसा कि प्रतिदिन हमारे साथियों द्वारा बार बार बताया जाता है कि संघ का कोई नेता नहीं होता, इसमें कोई पद या पदाधिकारी नहीं होता और यह सीधे तौर पर कभी राजनीति में नहीं जाएगा। इसमें आम आदमियों से कोई चंदा, पर्ची, शुल्क आदि नहीं लिया जाता। बैठक चाहे छोटी हो या बड़ी, उसमें कम से कम खर्च को सक्रिय सदस्यों द्वारा आपस में बांटकर व्यवस्थित कर लिया जाता है। समण संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी? साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के परिवेश में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज हम जात पात के अनेकों टुकड़ों में बटे हुए हैं और इसके अतिरिक्त आज 29 लाख संगठन पैदा कर लिए हैं, जिसमें से 4.5 लाख एक्टिव संगठन हैं। हमको इतने टुकड़ों में बांट दिया गया है जिसका कोई हिसाब नहीं। धीरे धीरे करके हमारे सभी अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं, इसलिए हमें अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के लिए समण संघ की आवश्यकता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें फिर से अपने समण समाज को एकजुट करना है। सबसे पहले स्वयं जुड़ना है और उसके पश्चात अपने सभी समण संगी भाई बहनों को जोड़ना है। जुड़ने एवं जोड़ने की प्रक्रिया में जब बात की जाती है तो हमारे कई साथियों का कहना है कि संगठनों द्वारा किए गए कार्य की उपलब्धियों को भी चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए। माना कि किसी संगठन द्वारा कुछ उपलब्धियां जैसे विहारों का निर्माण, महापुरुषों के नाम के भवन, मंदिर इत्यादि स्वयं तथा सरकारी संसाधनों से हमने बना लिए हैं और कुछ कार्य अधूरे भी हो सकते हैं जिनको पूरा करने की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे हमारे एक साथी ने जूम मीटिंग में के दौरान कहा कि हमने अपने समाज के बच्चों के लिए पुस्तकालय बनाए हैं जिसमें कंप्यूटर इत्यादि का कार्य लंबित है। कोई कहता है कि भवन का लेंटर डालना है, उसमें खर्च की आवश्यकता है। मेरा यह है मानना है कि उनके यह सोच वर्तमान दृष्टि से सही हो सकती है, परंतु यदि थोड़ा चिंतन करके दूर दृष्टि से 5-10 साल आगे की सोचेंगे तो पाएंगे कि आने वाले कुछ सालों में तो इन सब भवनों मंदिरों का उपयोग तो कोई और ही करने वाला है। हमसे सब कुछ छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। अभी हमारे यहाँ बहादुरगढ़ का ही उदाहरण देखिए। मेरे पास
हमारे लाइन पार के रविदास मंदिर के कई पदाधिकारी आए। उन्होंने बताया कि यहाँ के कई राजनीतिक आदमी आए और उन्होंने कहा कि मंदिर के उद्धार के लिए या उसमें जो भी कार्य आपको करने हैं उसको पूरा करने के लिए आप जितने लाख रुपए कहेंगे वे हम सरकार से दिला देंगे। इसके बदले में आपको इस संस्था की रजिस्ट्री सरकार के पास जमा करानी होगी। हालांकि संस्था के पदाधिकारियों द्वारा इस प्रस्ताव को नकार दिया है, जो कि सही है। अब आप सोचिए कि किस किस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इसलिए हम बार बार अपने साथियों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि साल दो साल इन संस्थानों के सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दें। हमें सभी संगठनों को भी तो इकट्ठा करना है, इसलिए कुछ समय के लिए इनको चंदा देना बंद करना होगा ताकि वे इकट्ठा होने की दिशा में सोच सके। हमें सबको आने वाली बर्बादी समय की आहट को पहचानना होगा। हम सबको जल्दी से जल्दी इकट्ठा होना होगा। इकट्ठा जब हो पाएंगे तो वे सभी कार्य जो आपने सोचे हैं सभी के सभी आसानी से हम सब मिलकर पूरा कर लेंगे अथवा करवा लेंगे। इसलिए अपने पद प्रतिष्ठा अहम का त्याग कर सीधा शीघ्राति शीघ्र जुड़े और जोड़े। चूंकि समय हमारे पास बहुत कम है, 10-15 साल बाद इकट्ठा होने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। साथियों, इसी क्रम में छोटी बड़ी मीटिंगों का आयोजन दिन प्रतिदिन हो रहा है। जैसे आने वाली 26-2-2022 को हमारे बहादुरगढ़ लाइन पार में बैठक प्रस्तावित है और दिनांक 27-2-2022 को विकासपुरी दिल्ली में एक दिवसीय संगीति होने जा रही है तथा अप्रैल 2-2022 को नागपुर में एक दिवसीय संगीति का आयोजन होना है। यानी कि इस प्रकार के आयोजन पूरे देश में हो रहे हैं। हमारे यहाँ बहादुरगढ़ में दिनांक 13-2-2022 को एक दिवसीय संगीति का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की समीक्षा हेतु सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक की गई। समीक्षा के दौरान हमारे कई साथियों द्वारा कुछ प्रश्न उठाए गए, जैसे कि आप तो कहते हैं कि सभी अगर नीचे बैठते हैं तो सभी नीचे बैठेंगे और यदि कुर्सियों पर बैठेंगे तो सभी कुर्सियों पर बैठेंगे। और इसके अतिरिक्त एक सवाल और हमारे साथी द्वारा उठाया गया कि जब जब लोग सब लोग खड़े होकर अपनी बात रख रहे थे तो अमुक व्यक्ति ने कुर्सी पर बैठकर क्यों अपने विचार दिए। इस बारे में आपसे विचार विमर्श किया गया और बताया गया कि जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें हमारे बड़े बुजुर्ग माता बहने या हमारे किसी साथी को कमर दर्द डिस्क प्रॉब्लम होने की वजह से उनसे जमीन पर बैठने में परेशानी होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम में 10-20 कुर्सियों का प्रबंध किया जाता है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। इसके अतिरिक्त यदि किसी को शारीरिक परेशानी हो तो वह कुर्सी पर बैठकर अपनी बात कह सकता है। इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को हमें नजरअंदाज करना होगा और यदि किसी कार्यक्रम के आयोजन में कुछ कमियां रह जाती हैं तो उसको ध्यान में रखकर आने वाले कार्यक्रमों में सुधार किया जा सकता है। हमें अपनी नकारात्मकता का त्याग कर सकारात्मकता की ओर अपनी सोच को विकसित करना होगा। फायदा, प्रतिदिन हमारे साथियों द्वारा इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता, भैंसों के झुंड, झाड़ियां, चींटियां, ये सभी झुंड में रहते हैं तो इनका जीवन बचा रहता है और अकेले शेर को तो कुत्ते के झुंड मार डालते हैं। इस प्रकार के उदाहरण क्यों दिए जा रहे हैं? वे इसलिए दिए जा रहे हैं कि यह सब प्राकृतिक रूप से इकट्ठा रहते हैं
इनका कोई बताने वाला अथवा समझाने वाला नहीं है, फिर भी झुंड में रहने से इनका जीवन बचा रहता है। इसी प्रकार इकट्ठा होने के फायदे की चर्चाएं आम सुनने को मिलती हैं, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम भाई हर शुक्रवार को सप्ताह में एक दिन इकट्ठा होते हैं, तो हमारे आसपास में कई बार यह है कहते सुना है कि बहादुरगढ़ में वैसे तो कोई मुसलमान नजर नहीं आता, परंतु शुक्रवार को इनकी संख्या इतनी हो जाती है कि ईदगाह के आसपास पैर रखने की जगह नहीं होती है, इसलिए इनसे कोई जल्दी से कोई पंगा नहीं ले सकता। इसी प्रकार हमारे सिख भाई भी एक आवाज पर इकट्ठा हो जाते हैं तो सहज ही उनसे कोई पंगा नहीं लेगा। उदाहरण तो कई दिए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास कई ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं। इसलिए हमें जागरूक होकर सबसे पहले इकट्ठा होना ही होगा और इसी कड़ी में हमें सबसे पहले अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी बहन को कॉन्सेप्ट को समझाकर जोड़ना होगा, क्योंकि महिला शक्ति भी इस जुड़ने व जोड़ने की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा सकती है और निभा भी रही है। तभी जाकर हम अपनी अस्मिता एवं अस्तित्व को बचा सकेंगे। अतः मेरा श्रमण समाज के सभी सदस्यों से पुनः विनम्र अनुरोध है कि वे अपने अहम पद प्रतिष्ठा का त्याग कर इस जुड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया में अपना सहयोग दें। इसलिए जुड़ना है, जोड़ना है। जुड़ेंगे जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जो जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे। जिद जुड़ने की, जुड़ेंगे जिंदा रहेंगे, जुड़ो और जीतो। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sarinam Gacchami.
साधु साधु साधु।